हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का जीएस प्लेन क्लासेस जयपुर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जो सीटी का तैयारी कर रहे हैं, इस बार एलडीसी की प्रिपरेशन कर रही है। 12th सीटी एलडीसी का नया सिलेबस जारी कर दिया गया है, कुछ देर पहले ही नोटिफिकेशन अभी आया है, देख लीजिएगा। कर्मचारी चयन बोर्ड की 10 अक्टूबर को ही अभी ये नोटिफिकेशन आया है जो सीनियर सेकेंडरी के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी काउंट की गई है, वनपाल वाली वैकेंसी काउंट की गई है, छात्रावास अधीक्षक लिपिक ग्रेड सेकेंड, कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड सेकेंड, जमादार और कॉन्स्टेबल, जो कह रहे थे कॉन्स्टेबल और कनिष्ठ सहायक जो एलडीसी वगैरह, वो सारी चीज़ें अभी इसमें काउंट कर ली गई है। तो मैं सिलेबस की बात करूंगा। हमने आपको राजस्थान में सबसे सस्ता कोर्स चला रखा है। कल दोपहर तक ये कोर्स की प्राइस आपको केवल केवल 599 की रहेगी। और जो बच्चे एलडीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पर आपको क्लास नोट्स वगैरह मिलते रहते हैं। ये सारी बात हो जाएंगी, आपको सारी नोटिफिकेशन की सब बातें मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ सिलेबस के ऊपर, देख लीजिएगा आराम से, मैं ज़्यादा फास्ट नहीं चला रहा हूँ इसको, ठीक है। एक जो मेन चीज़ है वो है आयु सीमा। तो आयु सीमा जो एज क्राइटेरिया स्टूडेंट्स से वो मांगा गया है 1 जनवरी 2023 से, और वन विभाग के लिए जो मिनिमम एज चाहिए वो 18 और मैक्सिमम 40 ईयर्स एज चाहिए। उसके अलावा जो आपके छात्रावास अधीक्षक के लिए मिनिमम 18, मैक्सिमम ये एलडीसी के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40, एलडीसी ग्रेड सेकंड के लिए जो शासन सचिवालय में है उसके लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40, राज्य अधीनस्थ विभाग कार्यालय में मिनिमम 18 40 ये, ठीक है। उसके बाद पुलिस कांस्टेबल के अंदर देखो कि मिनिमम एज 18, तो कांस्टेबल वाला डाउट आपका दूर करना है तो कांस्टेबल में मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 40 ईयर्स एज चाहिए होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ आपके सामने, ये जो मेन एज क्राइटेरिया आपको पता लग गया, अब इसके बाद कि सर फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो अभी आपको सारी चीज़ें मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ, धीरे 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 सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी। यहाँ से देखो, यहाँ पर लिख रखा है कि आपके 12/10/2022 से, मतलब 12/10/2022 मतलब 12 अक्टूबर से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं और 11 नवंबर 2022 तक ये फॉर्म आपके स्टार्ट रहेंगे। तो मतलब आपका ऑनलाइन आवेदन आपका कब से हो रहा है, ये मेन चीज़ है, ये भी आप लोगों को मैंने बता दी है। परीक्षा कब होगी, परीक्षा ये लो भाई आपकी एग्ज़ाम डेट भी दे दी है, सब कुछ क्लियर दे दिया है। 18 फरवरी 19 फरवरी 25 फरवरी और 26 फरवरी 2023 को यदि एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स अब जी तोड़ मेहनत करो, समय बहुत कम है, कनेक्टेड हो जाओ। हमारा एक चैनल है दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, उसके ऊपर आपकी रेगुलर लाइव क्लास चल रही है, बी कनेक्टेड, जो आपको प्रिपरेशन करना है एलडीसी की अच्छी से। सर सिलेबस क्या है, सर सिलेबस आपका, अगर मैं चलना चाहूँ सिलेबस की बात करें, ये सीईटी का कोर्स है। अब आते हैं हम आपके सिलेबस के ऊपर। देखो सर, परीक्षा की स्कीम ये रहेगी, इसमें भी सेम ग्रेजुएशन बेस वाला ही सिलेबस दिया है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, भारत की, ये सारी चीज़ें आपकी दी गई है, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर ज्ञान और समसाय की घटनाएं। तो बोलो सारी ही चीज़ें जो लगभग सिमिलर टू ग्रेजुएशन बेसिस सिलेबस है। प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी, मार्क्स 300 का रहेगा और 3 घंटे मिलेंगे, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान से सुन लेना बच्चों। सभी प्रश्न 12th लेवल के ही होंगे आपके, ठीक है दोस्तों। अब जैसे राजस्थान के इतिहास के ये चैप्टर आपके सामने हैं, धीरे धीरे मैं ऊपर लेके चल रहा हूँ, राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल, ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी दी है और राजस्थान की ज्योग्राफी दी है, और कुछ राजस्थान की पॉलिटी भी दी है, यहाँ पर इंडियन पॉलिटी भी दी है। ध्यान से देखो, चैप्टर के नाम दे रखे हैं, इनको कवरअप करना बच्चों आपको। राजस्थान की अर्थव्यवस्था दी है, साइंस दी है आपके बच्चों, साइंस में देखो, साइंस के अंदर आपके केमिस्ट्री दी है, उसके बाद आपको फिजिक्स दी है, उसके बाद आपको बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं, लगभग सिमिलर टू ग्रेजुएशन बेसिस सिलेबस, और यहाँ पर आपके हल्का सा मैथ भी दिया है, ठीक है। तो वो ही सिलेबस, इसने उन्होंने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया है, और इसमें प्यारे बच्चों आपकी इंग्लिश हटा दी गई है,
हाँ जी बिल्कुल, नहीं सॉरी सॉरी, इंग्लिश टाई नहीं है, इंग्लिश है, सॉरी स्टूडेंट्स, इंग्लिश है, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, और उसके अलावा कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर में चैप्टर दिए गए हैं, बेसिक कंप्यूटर आएगा, रैम रोम वगैरह, फाइल सिस्टम इनपुट वगैरह, ये सारी चीज़ें, करंट अफेयर है आपका, और बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप विजिट कर लेना। तो जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों जीएस प्लेनेट क्लासेज जयपुर इसकी एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड कर लेना, आपको बहुत अच्छे तरीके से एप्लीकेशन के अंदर प्रिपरेशन करवाई जा रही है, नाम मात्र फीस के अंदर काफ़ी बच्चे कनेक्टेड होकर प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये आपको देखो ये नाम मिलेगा जयपुर, जिस फिर भी किसी बच्चे को डाउट रहता है तो इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। जय हिंद।